मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने अमेरिका से प्रोटेस्ट किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्ट्स के पुर्जे क्यों फरोख्त किए हैं। रॉयटर्स की खबर है ये, और रॉयटर्स इसके बारे में ये लिखता है कि इंडिया टेल्स यूएस इट इज़ कंसर्न अबाउट पैकेज फॉर पाकिस्तान F-16 जेट्स। इंडिया ने एहतजाज किया है, और इसके ऊपर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट लॉयड ऑस्टिन से, और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने उनको ये बताया है कि हमें इस फैसले पर, अमेरिका के इस फैसले पर रिजर्वेशंस हैं, हम इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्ट्स के जो इक्विपमेंट है वो सेल किया। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इससे कुछ दिन पहले की एक और ख़बर जो हम कवर नहीं कर पाए वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तकरीबन 45 करोड़ डॉलर मिलिट्री पैकेज भी दिया है, और 45 करोड़ मिलिट्री पैकेज देने पर भी इंडिया ने वो भी एहतजाज किया है। और इसमें ये बताया गया है कि भारतीय वजीर खारजा ने डोनाल्ड लू से, अमरीकी सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर का मिलिट्री पैकेज देने पर प्रोटेस्ट किया है कि ये मिलिट्री पैकेज जो पैसा दिया है ये भी क्यों दिया है, हमें इस पर भी तश्वीश है, और पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट्स के जो पुर्जे फरोख्त किए हैं उस पर हमें उस पर भी तश्वीश है। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। इसकी वजह ये है कि ये दोनों खबरें ये बताती हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी अरसे के बाद अमेरिका से एक बार फिर ताल्लुकात, रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। हमने देखा कि इमरान खान के दौर में उन्होंने कंटेनर पे चढ़ के कैसे अमेरिका को ललकारा कि मेरे खिलाफ़ रिजीम चेंज की साजिश जो आई है अमेरिका ने की, ख़त भी लहराया। उसके बाद बहुत गंद पड़ा, हम देखते रहे क्या क्या कुछ होता रहा। यानी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान के लिए ये थी कि इस तरीके से हालात ख़राब होते हैं, ताल्लुकात भी दो कंट्रीज़ के ख़राब होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई छतों पे चढ़ के ये कहे कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर जब इमरान खान की हुकूमत चली गई, उसके बाद भी उनकी अभी तक वक्फे से कभी कभी अभी फिर वो इसको रिपीट करते हैं, रिजीम चेंज अमेरिका ने करवाया, कहते रहते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ अरसा पहले हालात बड़े ख़राब भी रहे, बड़ी दहशतगर्दी की भी जो है वो हमें देखने को मिली, फिर उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात जैसे रहे, फिर कुछ ऐसे वाकयात भी हुए, फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अचानक से बहुत अच्छे भी देखने को मिले। और इसमें वो भी याद होगा आपको कि जब फ़ोन किया गया था आर्मी चीफ की तरफ से कि IMF का प्लान हमें दिलवाएं, ये सब कुछ हुआ, फिर उससे पहले जो है और भी बहुत कुछ हुआ। ठीक है, हम पहले अभी इसी पर फोकस करते हैं। तो देखिए, मैं ये सोच रही थी कि इसके ऊपर एक सवाल ये बनता है कि क्या रशिया ने जब S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया को दिया था तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की थी? क्या पाकिस्तान की तरफ से रशिया को ये कहा गया था कि हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने इंडिया को S-400 मिसाइल क्यों दिए, हमें तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, आपको जो है ये फैसला जो आपने किया हमें इसके ऊपर बहुत तहफ़ुज़ात हैं? मुझे मेरा याद नहीं है कि ऐसी कोई बात की गई हो। अगर की गई थी तो और हमें नहीं याद तो चलें ओके, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ होता और पाकिस्तान की तरफ से रिजर्वेशन शो की गई होती तो हम उसके ऊपर प्रोग्राम करते, खबर बनाते, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी बहुत सी लॉजिक्स हो सकती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुक आते ऐसे नहीं, पाकिस्तान किस मुंह से रशिया को कहता कि भाई तुमने क्यों दिया, हो कहेगा भाई मेरा स्ट्रॉन्ग लाया मैं दूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? और फिर ये भी वो कह सकता था कि पैसे ले आओ तुम्हें भी दे देता हूँ, बात तो सारी पैसों की है, आपके पास पैसा है, आपने असलहा खरीदना है, आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है आप जाएँ और ख़रीद लें मार्केट से जाके। लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं तो आप अगर ये कहते हो, कहते भाई तुम्हारे पास पैसा है, इतनी है तुम में कि तुम मुझे जो है वो ये मना कर रहे हो, तो हम नहीं कह सकते थे। हालांकि इसके बावजूद कि वो जो भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था वो कहाँ पर, और जगहों पर भी, चाइना के लिए भी वो फिक्स किया गया था, लेकिन वो ये वाले बॉर्डर पर भी, हमारे वाले पे भी फिक्स किया गया था उसमें से एक, तो फिर भी हमने प्रोटेस्ट अगर नहीं किया था तो ये हमारी नाअहलियत है, ये हमारी नाअहली है, ये हमारी कमी कोताही और खामी है, इसमें उनका कुछ नहीं है, उनका जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट इसके ऊपर किया। अच्छा, अब इसके ऊपर ये भी देख लें कि इसलिए भी भारत प्रोटेस्ट कर सकता था क्योंकि इंडिया के भी अमेरिका से ताल्लुकात इस वक्त बड़े अच्छे हैं, और ऐसी सिचुएशन में वो है, ऐसी पोजीशन में, क्योंकि इससे पहले काफ़ी कुछ जो अमेरिका है वो
इंडिया से कहता रहा कि ये करो ये करो, यूक्रेन वॉर के सिलसिले में उनसे भी काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन वो माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन ताल्लुकात उनके अच्छे हैं। बल्कि यहाँ तक हमने बात की थी कि भाई ये तो लगता है कि अमेरिका से हमारा ख़त्म हो गया और उनका स्टार्ट हो गया। तो जब अच्छे आपके ताल्लुकात होते हैं और आप एक बड़ी इकॉनमी हो और आप एक बड़ा मुल्क हो, एक बड़ी ताकत हो, तो आप कहने जोगे होते हैं, आप मुँह उठा के कह सकते हैं जी बताएं ये क्यों दिया है। तो ये हुआ है। अब इसमें दोनों कंट्रीज़ अगर फ़र्ज करें एक दूसरे के ऊपर दूसरे कंट्री से रिजर्वेशंस का इज़हार करते हैं, तो उसकी बड़ी वजह जो लॉजिकल एक बात है वो ये, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो जानते हैं कि जो असलहा ख़रीदा जा रहा है वो इस्तेमाल कहाँ होना है। इसमें मैं आपको एक और ख़बर ये बताती चलूँ कि इसके ऊपर जो अमेरिकन स्पोक्स पर्सन है नेट प्राइस, उनसे सवाल भी किए गए, जिस पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने ये कहा अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कि इस फैसले से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी और पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। भाई ये बड़ी कमाल की बात है। इसकी वजह यह है कि आज तक हम स्पोक्स पर्सन साहब के जो भी सुनते आए हैं, बल्कि हमने उस पर बात भी की, तो वो ये कहते थे, कोई सवाल होता था भाई इंडिया हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारे बहुत से शोबों में भारत हमारा बड़ा अहम इत्तेहादी है, बड़ा करीबी इत्तेहादी है। अब उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये कहा और उनका कहना है कि पाकिस्तान कई शोबों में अमेरिका का बड़ा अहम इत्तेहादी है। और फिर उनसे जब सैलाब के हवाले से बात सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें बड़े शदीद इसके ऊपर गम है कि पाकिस्तान में इस किस्म का सैलाब आया है। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान F-16 प्रोग्राम इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रॉडर US पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस एंड दिस प्रपोज्ड सेल विल सस्टेन पाकिस्तान कैपेबिलिटी टू मीट करंट एंड फ्यूचर काउंटर टेररिज्म थ्रेट्स बाय मेंटेनिंग द F-16 फ्लीट। तो देखें, ये पाकिस्तान के लिए ये मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त दहशतगर्दी के जो हालात हैं और ख़ास तौर पर तालिबान के साथ जो है बढ़ते हुए हमारे ख़राब ताल्लुकात, यानी तालिबान की बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वो लहर कि जिसमें कई ऐसे वाकयात हुए मुल्क के अंदर ही कई शहरों के बीच, और फिर अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात जिस तरफ जा रहे हैं, जो वाकयात होते रहते हैं, ये सिचुएशन भी अपनी जगह पर। अच्छा, वो बात भी अपनी जगह पर कि अल्टीमेटली अगर दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान ही सोचते हैं तो ये असलहा कहाँ इस्तेमाल होगा, मतलब कहीं ना कहीं जाकर फिर सोचा जाता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, तो असल में तो ये इस इंसानियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा ना। तो जब ये बात की जाती है दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, तो फिर ये लॉजिकल बात बनती है कि दोनों मुल्क की तशवीश का इजहार कर सकते हैं कि ये तो आपने हमें हमारे खिलाफ़ उठा के उनको असलहा दे दिया, ये क्या किया आपने। और इमरान खान को कोई ख़बर दे, जाकर बताए, मनादी करें, खान साहब ये क्या हो गया, अमेरिका से ताल्लुकात पाकिस्तान के बहुत अच्छे हो गए, वो भारत तो बाद में बात करेगा, उसने तो सिर्फ इतनी बात की, आपने अभी तक कोई साजिश नहीं गढ़ी, आपने ये नहीं कहा कि ये इसके पीछे तो ये वाली साजिश है, ये इसलिए किया गया, ये तो रिवार्ड है क्योंकि मेरा रजीम चेंज किया गया इस वजह से ये सारे इनामात मिल रहे हैं। कोई पता नहीं कि वो आने वाले दिनों में ऐसी कोई बात कर दें। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।